द्वापर युग से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम ही 84 जन्म देने वाले देवता थे वर्ण के। देवता से क्षत्रिय बनते हैं पहले, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र और फिर अब ब्राह्मण बने। अभी हम देवता वंश के बनेंगे, इसलिए दैवी गुण धारण करने हैं, सत्व प्रधान बनना है, ये समझना और फिर समझाना बहुत जरूरी है। बुद्धि में ये बात बैठ जानी चाहिए, जो समझते हैं और समझाते हैं वो ही बनेंगे, जो करेंगे सो पावेंगे। इस समय सब मनुष्य है आसुरी गुण वाले। रावण राज्य, रावण राज्य में तो यह था राजा तथा प्रजा। गवर्नमेंट भी चाहती है कि सब भ्रष्टाचारी हो जावे, क्योंकि गवर्नमेंट खुद ही भ्रष्टाचारी है। सब पतित है, तुम्हारी ये भी रूहानी गुप्त गवर्नमेंट है, सिवाय गवर्नमेंट के स्वराज्य कोई स्थापन नहीं कर सकता। वो गवर्नमेंट जब स्थापन हुई कांग्रेसी गवर्नमेंट, तो बापू गांधी ने बीड़ा उठाया कि हम स्वराज्य स्थापन करेंगे, लेकिन स्वराज्य तो स्थापन हुआ नहीं और ही रावण राज्य स्थापन हो गया। ये रूहानी गवर्नमेंट है और उनकी है जिस्मानी गवर्नमेंट, परंतु कृष्ण का नाम डालने से पांडवों को भी जिस्मानी ताजादी दे दिया है। नाम किसका डाल दिया है? गीता में नाम किसका डाला है? कृष्ण का नाम डाला है। शूटिंग किसने की? कृष्ण का नाम डालने की किसने शूटिंग की? ब्रॉड ड्रामा में जो गीता लिखी गई मनुष्यों के द्वारा, उसमें बाद में कृष्ण का नाम डाला गया, वो तो 2500 साल की बात हुई, भक्ति मार्ग की बात हुई। इस समय ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में शूटिंग का काम चल रहा है, डायरेक्टर आकर के शूटिंग कराई रहा है, रिहर्सल कराई रहा है। तो यहाँ जो हमारी गीता है वो गीता कौन सी है? गीता माता, ब्रह्मा हमारी गीता माता। और गीता माता में जो मुख से ज्ञान निकला वो हमारी सच्ची गीता हुई। उस सच्ची गीता में पहले लिखा होता था, क्या लिखा होता था? शिव बाबा याद है। बाद में जब मम्मा शरीर छोड़ने लगी, हॉस्पिटलाइज हो गई, तो उसमें लिखा गया पिताश्री शिव बाबा याद। अब पिताश्री तो ब्रह्मा को कहा जाता है, जो पिता श्रेष्ठ बाद में बनने वाला है। अभी तो मनुष्य है दाढ़ी मूछ वाला, जो बाद में श्रेष्ठ बनेगा वो पिताश्री शिव बाबा याद है। माने शिव बाबा कौन हो गया? ब्रह्मा का रूप ही शिव बाबा का रूप हो गया। भले मुख से कहते हैं कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल में किया क्या? प्रैक्टिकल में साकार में अगर ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछा जाए कि साकार में गीता का भगवान कौन है, तो वो किसको बताएंगे? दादा लेखराज ब्रह्मा को बताएंगे। अब दादा लेखराज ब्रह्मा तो कृष्ण की सोल, तो बात तो वही हो गई कि कृष्ण का नाम गीता में डाल दिया ना, वास्तव में ये रांग है। यज्ञ के आदि में गीता ज्ञान का बीजारोपण ब्रह्मा बाबा के द्वारा नहीं हुआ था। ब्रह्मा बाबा जैसा नाम है, ब्रह्मा, ब्रह्मा माने बड़ी माँ, उस बड़ी माँ ने तो ज्ञान को जीवन में धारण किया,
बीज रोपण करने वाला कोई व्यक्ति दूसरा था, जिनके लिए मुर्गियों में आया है। ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बन करके बैठते थे। आज वो बच्चे यज्ञ में है नहीं, कारण या कारण चले गए। फिर कारण भी बताया क्यों चले गए, क्योंकि उस समय यह इतना ज्ञान विस्तार को पाया हुआ नहीं था। वो आत्मा तो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे थे। जब यज्ञ का आरंभ हुआ तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डाला जा रहा था, ओम ओम ध्वनि का उच्चारण होता था। जैसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, सृष्टि की जब रचना की शुरुआत हुई तो ब्रह्मा के मुख से सबसे पहला शब्द निकला ओम। बात कहां की है, ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया की फाउंडेशन की बात है। पुरानी संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ करके सुनाते थे, ये भी भक्ति मार्ग की बात हुई। परंतु वो गीता के अर्थ उस समय संपन्न स्टेज को नहीं थे,